इतना कड़ी मेहनत के बाद भी घाटे का सौदा साबित होता था, लेकिन अब सरकार और कृषि विभाग की कृषक कल्याण योजनाओं से खेत खलिहान की फिजा और किसानों की हालत सुधरने लगी है। बगरू के कृषि अधिकारी किसानों के लिए किसी रहनुमा से कम नहीं है। आप भी समझिए कौन है ये। हिंदुस्तान की तरक्की की बुनियाद आज भी खेतों से होकर ही गुजरती है। अन्नदाता को अगर सुविधाएं और साधन मिल जाए तो अपनी मेहनत और खून पसीने से बंजर जमीन पर भी फसल उगा सकता है। तभी तो बगरू में खेत खलिहान की फिजा बदलने लगी है। खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। किसानों के चेहरे पर चिंताओं के बादल छटने लगे हैं। बगरू के कृषि अधिकारी विद्यासागर बावलिया और उसकी टीम किसानों का जीवन संवारने में लगी है। प्रदेश सरकार के किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। फार्म पॉन्ड और जैविक खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। फार्म पॉन्ड के निर्माण से बरसात का पानी एकत्रित कर फसल की सिंचाई में काम लिया जा रहा है। वहीं केचुए से जैविक खाद बनाने से किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई है। देखो साहब, फायदा को यो मिलियो, चदरा का पानी अपने घर का पानी से ना जो फालतू जाए जा एक दो फोरा चला जा जैसे टाइम पास ही होना जैसे ही तो अब पानी खूब होगो और बोने एक दो फोरा चला जाए तो बांसो खूब अपनी सफल फसल जाना बढ़िया हो जाए ली। हमारे को फायदा यह है कि कीटनाशक दवाइयाँ देते थे तो हम पीसा बहुत ज़्यादा लागे था और मतलब बाजार में बेच बजाया जा तो कहीं के बीमारी हो जाए थी कहीं के कीटनाशक नुकसानदायक थी, मगर ये जैविक खेती से जना जो बढ़िया तो पैदा हो जाए और कोई नुकसानदायक चीज़ को न स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चाहे। फार्म पॉन्ड और जैविक खेती के अलावा सिंचाई की उन्नत तकनीक भी मरुभूमि के किसान के लिए वरदान साबित हो रही है। पानी की बूंद बूंद को सिंचाई के काम में लेने के लिए ड्रिप सिस्टम एक बेहतरीन योजना साबित हो रही है। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद भी किसानों के लिए खेती को ज्यादा सरल और कम खर्चीली बना रही है। पहले हमारे पूर्वजों ने क्यारियों से करते थे, बहुत तकलीफ होती थी, पानी भी अच्छी तरह से नहीं जाता था और जो अब नई सरकार ने जो योजना चलाई है ड्रिप सिस्टम, इससे फसल को अच्छी होती है और इकसार पानी जाता है फसल के अंदर और पानी की बचत 90% होती है, जो 10% है वही खर्च होती है। हमारे यहाँ कृषि विभाग से कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है किसानों को, जो 50% अनुदान देते हैं और अधिकतम 15,000 रुपये देते हैं, जिससे गरीब किसान लाभान्वित होकर वो आराम से उसको खरीद पाते हैं। किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग के अधिकारियों की होती है, लेकिन बगरू के सहायक कृषि अधिकारी विद्यासागर बावलिया अपनी टीम के साथ दिन रात किसानों की बेहतरी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। कृषि अधिकारी खेती की नई और उन्नत तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तकलीफ का मलाल कचोटता है। कृषि विभाग और राज्य सरकार के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है फार्म पॉन्ड की स्कीम है। जो फार्म पॉन्ड है वो किसान के लिए बहुत लाभदायक है, जो जल की बचत करता है और जल का प्रबंधन करता है। उसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से फार्म पॉन्ड की इस वर्ष में हमने 150 फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया किसानों के द्वारा, जो अधिकतम 90,000 रुपये तक अनुदान मिलता है। किसानों की दशा सुधारने की तमाम कवायद के बावजूद फसलों और उपज का बाजार में उचित दाम नहीं मिलने की टीस अब भी किसानों को होती है। अन्नदाता के लिए हर मोर्चे पर मददगार बनकर खड़ा बगरू के सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय किराए के कमरे में संचालित है, जहां बमुश्किल सारा स्टाफ भी एक साथ मुश्किल से बैठ पाता है। बगरू के किसानों की तकदीर बदलने वाले कृषि विभाग के दफ्तर की भी तस्वीर बदलनी चाहिए। अमित यादव के साथ सुनील जांगिड़, जी मीडिया, बगरू।